नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों फिर से मैं हाजिर हूं नया जादुई फर्टिलाइजर लेकर के, नए जादू लेकर के। लेकिन ये सिर्फ थंबनेल तक ही काम करता है, खेती में कोई जादू नहीं होता। खेती में जादू होता है लेकिन सही समय पे सही कार्य करने से। बागवानी में हो चाहे आप सब्जियों की खेती करते हो, सही समय पे सही खाद डालेंगे, सॉइल हेल्थ पे काम करेंगे तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जादू तभी हो सकता है। अक्सर क्या होता है, जैसे फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाती है किसान भाई भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। कभी चिलिटेड फॉर्म में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कभी एनपीके डाल रहे हैं, तो कभी दवाइयाँ डाल रहे हैं, कभी इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, कभी क्या डाल रहे हैं पीजीआर या कभी टॉनिक। क्यों परेशान हो रहे हो दोस्तों? आपको सही समय पे सही फर्टिलाइजर डालिए, फिर देखिए जादू भी होगा, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। आज हम आपको लाइव दिखाएंगे पौधों में किस तरीके से बेसल रोज में फर्टिलाइजर आपको डालना चाहिए स्टोरेज टाइम में, ताकि फ्लोरिंग भी अच्छी होगी और उस समय आपका कोई भाग दौड़ नहीं होगी, कोई आपको टॉनिक पीजीआर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसा आपको एक जादुई बेसल रोज आपको दिखाएंगे। और दोस्तों जैसे आपने घरों में एक दो प्लांट लगा रखे हैं, यानी कम मात्रा में पौधे हैं, उनमें भी आपको इसी तरीके से खाद डालना है। सब्जियों की खेती करते हैं उनमें भी ये फर्टिलाइजर डालना जरूरी है, तभी आप आगे अच्छे उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बागवानी में, यानी कि बड़े पौधे हैं तो आपको क्या करना है। वैसे तो हमारे वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं पौधे की, जैसे ही हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाए कटिंग करनी है, निराई गुड़ाई करनी है, वाइट रूट जो निमेटोड रूट होती हैं वो निकालनी है। निराई गुड़ाई करने के बाद में ये हमने गोबर की खाद भी डाल दिया है, और कल ही हमारा डिटेल वीडियो भी आ चुका होगा। जब तक आप इसको देखेंगे नीला थोता यानी कि कॉपर सल्फेट का स्प्रे कर दिया, क्योंकि कोई भी पौधे की कटिंग करेंगे फंगस जनित रोगों का अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से कटेगा वहाँ पर फंगस के चांसेज होते हैं अटैक करने के, इसलिए कॉपर सल्फेट का स्प्रे कर दिया है। और गोबर की खाद डाला है पर प्लांट, फ्रूट प्लांट हैं ये, देखिए फल देने वाले पौधे हैं उनमें आपको 40 से 50 केजी पर प्लांट गोबर की खाद डालना है। और ये हमने मेंगनी का खाद डाला है, ये देखिए सबसे न्यूट्रिशन वैल्यू इसी की सबसे बेस्ट होती है। तो ये पर प्लांट 40 से 50 केजी डालना है, जितना बड़ा पौधा है उसी अनुसार आपको डालना है। चारों तरफ हमने डाल दिया। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे ये मेंगनी का खाद है, मिंगण तिंगण यानी मिंगणी का खाद हमने डाला तो हमारे खेतों में 3 साल तक काम करेगा। एक बार आपने डाला 3 साल तक रिजल्ट लीजिए। गोबर दोबर यानी गोबर का खाद आपने डाला तो 2 साल काम करेगा, 2 साल अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राख साख, और राख अगर आपने अपने खेतों में डाला है फर्टिलाइजर के रूप में तो 1 साल काम करेगा। तो मेंगनी का खाद आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए तो सबसे बेस्ट है, इसको आप डालिए। और यही इस बार हम हमारे प्लांट्स में डाल रहे हैं। और क्या क्या डाल रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपका मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल पीएच है मिट्टी का, और या फिर आपका पीएच मिट्टी का कम है, तब आपको डालना है बोन मील फर्टिलाइजर। फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है, फॉस्फोरस कैल्शियम वगैरह बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। बोन मील फर्टिलाइजर में थोड़ी सी कमी है कि इसमें स्मेल आती है, इसलिए हम अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। महंगा फर्टिलाइजर ज़्यादा महंगा नहीं आता है और रिजल्ट इसके लाजवाब हैं। सबसे अच्छी बात है कि जैसे कैल्शियम की कमी से आगे चल करके फ्रूट रोट वगैरह बड़ी समस्याएं देखने की मिलती है, वो समस्याएं नहीं मिलेंगी। अगर सब्जियों की खेती करते हैं ना तब भी आपको जरूर डालना चाहिए। बात और है इसमें, ये जैसे जैसे डीकम्पोज होगा वैसे वैसे पौधे को न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने डाला तुरंत रिजल्ट मिल गया यूरिया डीएपी की तरह, इसके धीरे धीरे लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा। कम से कम साल में एक बार आपको बोन मील फर्टिलाइजर जरूर डालना चाहिए। और सेकंड फर्टिलाइजर लेंगे दोस्तों, ये देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये न्यू लीफ से मार्केट में अवेलेबल होता है। वैसे ये बेसिकली शॉप पे अवेलेबल नहीं होता, डायरेक्ट कंपनी से ऑर्डर करना होता है। और इसको हम लंबे समय से यूज कर रहे हैं, आपने हमारे कई वीडियो में देखा होगा सब्जियों में प्लांट्स में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। पर प्लांट 2 केजी आपको डालना है, और जैसे बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट हैं, बहुत पुराने प्लांट हैं, तो 4 केजी तक भी डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, कई चीज़ों से मिलकर के बना हुआ फर्टिलाइजर होता है, कंप्लीट पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, साथ ही हमारे मिट्टी के पीएच वगैरह में सुधार होता है। सॉइल सुधार के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है दोस्तों। और लेकिन कमी यह है कि कम से कम इस फर्टिलाइजर को ऑर्डर करने के लिए आपको 10 पैकेट ही ऑर्डर करने होते हैं। गुजरात राजकोट की कंपनी है, ये देखिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं ये, और ये कंप्लीट हम प्लांट्स में डाल रहे हैं।
अभी जो डोज तैयार करेंगे हम 100 पौधों की तैयार करेंगे दोस्तों, 100-100 प्लांट्स की हम डाल रहे हैं क्योंकि पर डे हम 100 प्लांट्स में डाल पाते हैं। इसलिए ये गुजरात राजकोट की कंपनी है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक न्यू लीफ मेन्योर नाम से ये अवेलेबल होता है। थर्ड नंबर पे दोस्तों हम ले रहे हैं, ये देखिए, इस पे मैंने वीडियो भी कई बार बना चुकी हूँ। ये है सीविड एक्सट्रैक्ट, समुद्री शैवाल, समुद्री घास, समुद्री खरपतवार, उनसे बना हुआ फर्टिलाइजर होता है ऑर्गेनिक, और इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था। ये देखिए, जैसा कि आपको मैं दिखाती हूँ इसका ओरिजिनल कैसा होता है, इसी पे मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए साइड में ये ओरिजिनल आता है, ये भी हम डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमने ये ऑर्डर कर रखा है, इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के थ्रू बहुत सारे क्वेरीज आई, बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, और ये ओरिजिनल कहाँ मिलेगा। दोस्तों अभी हमने जिस भी डीलर से परचेज किया उसके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे ही उसके पास होंगे आपको सभी को नंबर वो ज़रूर देंगे, हम व्हाट्सएप ज़रूर करेंगे, आपके बहुत सारे व्हाट्सएप आ रखे हैं, लेकिन अभी डीलर ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले एक बार हमें अवेलेबल हो जाता है, और डीलर के पास जब भी ज़्यादा आएगा तो आपको ज़रूर हम आंसर करेंगे। ये दोस्तों आपकी इसकी डोज की मैं अगर बताऊं सभी फर्टिलाइजर की कितनी डोज लेनी है, सबसे पहले तो जैसे ये ओरिजिनल आपको सीविड मिलता है तो ये 20 से 30 ग्राम पर प्लांट ही सफिशियंट मात्रा है, इससे ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। और जैसे मार्केट वाले आप परचेज कर रहे हैं, जैसे कि फोकी सागरिका है, बायोजाइम जी है, धनजाइम जी है, या कई नामों से अवेलेबल हैं, ये आप परचेज करते हो तो दोस्तों इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 से 150 ग्राम पर प्लांट। 100 ग्राम सफिशियंट है अच्छी फ्रूट प्लांट के लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो आप 150 ग्राम तक इसकी मात्रा रख सकते हैं। दोस्तों एक एक पौधे की मात्रा इसलिए बता रही हूँ कि कुछ किसान भाई के पास जैसे पौधे कम होते हैं, या किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, या बहुत एक दो प्लांट ही आपके घर में, तो पर पौधे के हिसाब से आप मात्रा कैलकुलेट करके फिर आप इकट्ठा बेसल डोज बना करके डाल सकते हैं। इसलिए एक एक पौधे की मात्रा आपको मैं डिस्कस करूंगी। सेकंड दोस्तों, जैसे कि ये बोन मिल है, ये पर प्लांट 1 kg जाना चाहिए, फ्रूट प्लांट की मैं बात करूं जिस पे आप फल लेने वाले हैं। और थर्ड नंबर पे न्यू लीफ ऑर्गेनिक मेन्योर, इसकी मात्रा आप पर प्लांट 2 kg से 4 kg तक रख सकते हैं। दोस्तों ये कंप्लीट हम 100 पौधों की डोज तैयार कर रहे हैं, और फिर आपको प्लांट्स में डाल के दिखाते हैं किस तरीके से डालना है, और भी हम आगे क्या क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। दोस्तों मिक्स बहुत अच्छे से करना है, इक्वल क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें डालनी चाहिए। दोस्तों अभी हम पौधों में कैसे डाल रहे हैं, पौधों में आपको कुछ ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, अगर आपने ड्रिप चारों साइड बिछा रखी है तो चारों साइड में आप गोलाकार आकार में आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर ड्रिप आपने दो साइड में बिछा रखी है तो दोनों साइड में आपको डालना है, यही आपको विशेष सावधानी रखनी होती है, पानी आप कैसे दे रहे हैं, और बिल्कुल तने के पास में नहीं डालना है। ये देखिए, जैसे हमने अभी गोबर की खाद भी डाल रखी है, आपको दिख रहा होगा क्लियर कि हमने थोड़ा गैप बना रखा है, थोड़ा सा आप गैप बना करके डालें, बिल्कुल तने के पास में नहीं डालें, फंगस का अटैक वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से डालना है आपको, सारी चीज़ें डालने के बाद में दोस्तों मिक्स होगा, लेकिन अभी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो क्या डालेंगे वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा और उस चीज़ को अलग से डालना होता है, तो वो डालने के बाद में मिक्स ज़रूर करना है आपको, पावड़ी से अच्छे से मिक्स कर देना है मिट्टी में थोड़ा थोड़ा, ताकि इधर उधर ना जाए, फिर आपको पानी चला देना है। और दोस्तों अगर सब्जियों की खेती करें, यानी आपके पास प्लांट्स नहीं है, किसी भी टाइप की अन्य टाइप की कोई भी खेती है, तो आप ब्रॉडकास्ट कर दें इनकी, या जैसे कोई रासायनिक फर्टिलाइजर डाल दें कोई भी, तो उनके साथ में भी मिला करके आप डाल सकते हैं, फिर जुताई करके बेड वगैरह बना करके आगे आप खेती करें। और भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे प्लांट्स हैं, सब में हमने ये मेंगने का खाद डाल चुके हैं। ये देखिए जैसा आप प्लांट्स देख रहे हैं, अभी काफ़ी दूरी में प्लांट्स हैं हमारे। दोस्तों जब ये फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम
हमारे अनार के प्लांट्स में डाल रहे हैं रासायनिक खादों को छोड़ करके ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करें, तो आप भी सब्जियों की खेती करें या किसी भी टाइप की खेती करें, आप रासायनिक फर्टिलाइजर के अलावा इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। सोयल में सुधार रहेगा, मिट्टी हमारी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी। जब फसलों की बिजाई हो जाए तो उसके बाद में भी आप वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर आते हैं यही, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। और इसी तरीके की लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी टाइप की खेती करते हैं, बहुत ही यूजफुल वीडियो हमारे आगे आने वाले हैं, कैसे आप क्या क्या डाल सकते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।